ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी कलयुग के अंत में रहते हैं, जबकि चारों ओर तामसिकता व्याप्त है, जबकि माया ने चारों ओर घेरा डाला हुआ है, जबकि सभी आत्माएं विकर्मों की गंदगी में अपना जीवन जी रही हैं। विकर्म और विकार ये मनुष्य की संपत्ति बन गए हैं। ऐसे में कर्म गति के अनुसार, ड्रामा के विधान के अनुसार किसी के जीवन में भी विघ्न आना बड़ा ही स्वाभाविक है। लेकिन हम सभी ने, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है, जिन्होंने परमात्मा को अपना साथी बनाया है और जिन्हें उसने निर्विघ्न जीवन जीने का वरदान दिया है, जिनको उनसे विघ्न विनाशक बनने की शक्ति और वरदान मिला है, उन्हें अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त कर लेना चाहिए। एक बात है कि विघ्न आए और हम उनको सहज पार कर लें, उनसे प्रभावित ही न हो, विघ्न हमारी स्थिति को बिगाड़ने वाले न बन जाएं, विघ्न हमें सब कुछ न भुला दें, हमारी खुशी न छीन लें, हमारी शांति भंग न कर दें, हमें परेशानी में न डाल दें। और दूसरी चीज है कि हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं, इतना स्मृति स्वरूप बनाएं कि विघ्न हमारे पास आए ही नहीं। दोनों ही बातें हैं। जो श्रेष्ठ योगी हैं, उनके पास यदि विघ्न आते हैं तो वो उसे अपनी शक्तियों और साहस हिम्मत के बल से सहज ही पार कर लेते हैं। तो सभी बाबा के बच्चों को विघ्नों से घबराना नहीं है, ये याद रखना है कि विघ्न हमारा रास्ता साफ करेंगे, विघ्न हमें शक्तिशाली बनाएंगे, विघ्न हमें हमारे सोए हुए विवेक को जगाएंगे। बस आवश्यकता इस चीज की है कि विघ्नों के समय हम अपनी स्थिति को न बिगाड़ें, अमृत वेले को छोड़ न दें, मुरली के समय सोते न रह जाएं। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन विघ्न स्वरूप बन जाए, हमारे परिवार में उदासी छा जाए, परेशानियों से हर व्यक्ति गुजरने लगे, ये ना हो। जरा अपने को संभालें और एक संकल्प करें कि विघ्न तो आए हैं और चले जाएंगे। ये समय ही ऐसा है, जब हमने ही सब कुछ हंसते हंसते किया है तो उसका फल हमें ही हंसते हंसते भोग लेना चाहिए। रोज सवेरे उठकर बहुत अच्छी तरह उठते ही उमंग से संकल्प करें, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन तनाव से मुक्त है, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। 5 बार कर ले और फिर वतन में जाकर महसूस करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, उसने वरदान दे दिया है, बच्चे विघ्न विनाशक भव, तुम्हें आगे चलकर सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करना है, बहुत शक्तिशाली भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। और सारा दिन इस खुशी और नशे में रहें कि हमें वरदाता परम सदगुरु से विघ्न विनाशक का वरदान मिल गया है, तो इससे हमारा सारा दिन बहुत सुंदर स्थिति में बीतेगा, विघ्न हमारे पास नहीं आएंगे, और अगर आएंगे हमारे वाइब्रेशन से ही सहज नष्ट हो जाएंगे। इस रहस्य को सभी को याद रखना है। तो आज सारा दिन हम 2 स्व मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, इनको बहुत बार याद करेंगे तो हमसे विघ्नों को नष्ट करने वाले वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते रहेंगे। जिनके पास कोई विघ्न हो वो इन्हें सारा दिन में 108 बार याद कर लें और अभ्यास करेंगे, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
फिर उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है और सिंपल नशा रखेंगे, स्वयं भगवान मेरा साथी है, खुदा दोस्त है। बस ये भी हमारा बहुत पावरफुल योग हो जाएगा, आज सारा दिन इसका आनंद लेंगे। दूसरा अभ्यास जो बाबा के साथ का अनुभव का है, हर घंटे में दो बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।